प्यारे झारखंड वासियों, जोहार। भगवान बिरसा मुंडा एवं वीर सिद्धू कान्हू जैसे अनेक महान सुपुतों के बलिदानी भूमि पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और समस्त झारखंड वासियों तथा देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज हम 75वें स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लाखों देशभक्तों की शहादत के बदौलत हमें यह आज़ादी मिली है। एक और एक स्वतंत्र देश का नागरिक कहलाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। राष्ट्र पर्व की इस पावन बेला में मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित उन तमाम देशभक्तों के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिनके कठिन संघर्ष, त्याग और बलिदान ने हमें आज़ादी दिलाई है और एक समृद्ध और समतामूलक राष्ट्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। झारखंड का इतिहास संघर्ष और बलिदान की गौरव गाथाओं से भरा हुआ है। धरती आबा बिरसा मुंडा, वीर सिद्धू कानू, बाबा तिलका मांझी, चांद भैरव, बहन फूलो झानो, वीर बुद्धू भगत, जतरा टाना भगत, नीलांबर पीताम्बर, पांडे गणपत राय, टिके तुमराव, शहीद विश्वनाथ सहदेव जैसे अनेक महान विभूतियों ने स्वतंत्रता के संघर्ष में अपनी आहुति दी है। राष्ट्र पर्व के इस पावन अवसर पर हमारे देश की सुरक्षा के लिए समर्पित वीर सैनिक, सुरक्षा बलों और पुलिस के जवानों को मैं स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ। हमारे देश के वीर सैनिक कठोरतम परिस्थिति में भी हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। ऐसे सैनिकों के बहादुरी, देश प्रेम और बलिदान पर हम देशवासियों को गर्व है। झारखंड के लोग सहज एवं सरल हैं। आज इस मंच से मैं झारखंड वासियों को यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि उनका हक दिलाने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है और पूरी निष्ठा से इस दिशा में काम कर रही है। झारखंड की सांस्कृतिक पहचान, यहाँ की मिट्टी में रची बसी परंपराओं और झारखंडी अस्मिता को सुरक्षित रखते हुए हम एक ऐसे राज्य के निर्माण के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जहाँ विकास में सभी वर्गों की भागीदारी हो, गरीबों, आदिवासी, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के अधिकार की सुरक्षा हो तथा अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुँचे। हमारी सरकार ने विकास मूल मंत्र आधार लोकतंत्र का दृष्टिकोण अपनाया है। राज्य में विकास को गति देने के लिए नई नीतियां बनाई जा रही है तथा पूर्व की नीतियों में आवश्यकता अनुसार संशोधन भी किए जा रहे हैं। इसी क्रम में झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 लागू की गई है जो अगले 5 साल तक प्रभावी रहेगी। प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर तथा खनिज बहुमूल्य इस राज्य में गरीबों के लिए रोजगार अधिक से अधिक अवसर पैदा करने के लिए यह नीति मील के पत्थर साबित होगा। राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए विभिन्न नियुक्ति एवं परीक्षा संचालन नियमावली के गठन तथा संशोधन की कार्रवाई प्राथमिकता के साथ की गई है। अब राज्य में वर्ग 3 के पदों पर नियुक्ति की परीक्षा में केवल वही अभ्यर्थी शामिल होंगे जिन्होंने 10वीं अथवा 12वीं की परीक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से पास की हो। झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में यह प्रावधान को शिथिल रखा गया है ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके। अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज,
भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना भी अनिवार्य है। इससे सरकारी नौकरियों में झारखंड के युवक युवतियों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। खेल के क्षेत्र में देश दुनिया में झारखंड की अलग पहचान रही है। झारखंड सरकार की खेल नीति में यह प्रावधान किया है कि ओलंपिक खेलों में राज्य के खिलाड़ियों को स्वर्ण रजत एवं कांस्य पदक जीतने पर क्रमशः 2 करोड़, 1 करोड़ 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। भागीदारी के लिए 5 लाख रुपए देने का प्रावधान है। भारतीय हॉकी टीम में शामिल झारखंड की बेटियों सलीमा टेटे व निक्की प्रधान के बेहतर प्रदर्शन को सम्मान देते हुए इन खिलाड़ियों को 50 लाख रुपए नकद राशि भुगतान किया गया है। झारखंड सरकार के खिलाड़ियों को हर प्रकार की सुविधा देने के लिए दृढ़ संकल्प है। राज्य में खेल एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु नई खेल नीति 2020 बनाई गई है। खेल प्रतिभाओं को उचित सम्मान देते हुए हमारी सरकार ने झारखंड खिलाड़ी सीधी नियुक्ति नियमावली के तहत अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता 39 खिलाड़ियों को राज्य सरकार के अधीन नियुक्त किया गया है। यह क्रम आगे भी जारी रहेगा। सरकार की ओर से खिलाड़ियों को समुचित सहयोग मिले इसके लिए राज्य में पहली बार जिला क्रीड़ा पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। हम खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा प्रदान करना चाहते हैं ताकि दुनिया भर में झारखंड का नाम रोशन हो सके। आप सब अवगत हैं कि गत एक वर्ष से कोरोना महामारी से हम किस प्रकार जूझ रहे हैं। इस महामारी ने राज्य के विकास की गति को प्रभावित किया है। कोरोना महामारी की चुनौतियों के बीच जीवन भी और जीविका भी के मंत्र के साथ राज्य को विकास की पटरी पर लौटाने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य की लगभग 75% जनसंख्या कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों पर निर्भर है। ऐसे में ग्रामीण विकास ही राज्य के विकास का एक इंजन बन सकता है। इस सोच के साथ हमारी सरकार ने इस वर्ष के बजट में ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देते हुए इस परिक्षेत्र के लिए 7,664 करोड़ रुपए का बजटीय उपबंध किया है। कृषि परिक्षेत्र के लिए 3,179 करोड़ रुपए का एवं पंचायती राज के लिए 2,623 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने का करने की पहल की गई है। इसका कार्य में मनरेगा योजना अहम भूमिका निभा रही है। विगत वर्ष हमारी सरकार ने मनरेगा एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से 4 महत्वपूर्ण योजना यथा बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, वीर शहीद फोटो हो खेल योजना तथा दीदी बाड़ी योजना का शुभारंभ किया है। उक्त सभी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत लगभग 21,000 एकड़ भूमि में फलदार वृक्ष लगाए जा रहे हैं। नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना के तहत राज्य में जल छाजन सिद्धांत को अपनाते हुए लगभग 30,000 हेक्टेयर भूमि का उपचार किया गया है। वीर शहीद फोटो हो खेल विकास योजना के तहत 97 खेल मैदानों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 1,717 खेल मैदान का निर्माण कार्य प्रगति पर है। राज्य की लगभग 2 लाख महिलाओं को दीदी बाड़ी योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। विदित हो कि मनरेगा में राज्य सरकार ने अपनी निधि से राशि की व्यवस्था करते हुए अब दैनिक मजदूरी के रूप में 225 रुपये भुगतान करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत राज्य के 24 जिलों के 263 प्रखंडों के 27,586 गांव में करीब 2,61,279 सखी मंडलों का गठन किया जा चुका है। झारखंड के करीब 32 लाख से अधिक ज़्यादा परिवारों को सखी मंडल से जोड़ा जा चुका है।
आजीविका सशक्तिकरण के तहत करीब 17 लाख परिवारों को कृषि आधारित आजीविका एवं करीब 3 लाख परिवारों को पशुपालन से जोड़ा गया है। फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के अंतर्गत राज्य के करीब 13,300 महिलाओं को हड़िया दारू निर्माण एवं बिक्री के कार्य से मुक्त कराकर आजीविका के अन्य साधनों से जोड़ा गया है। हमारे किसान भाई दिन रात मेहनत मजदूरी कर फसल उगाते हैं और राज्य के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। कृषि के विकास एवं किसानों की खुशहाली के लिए हमारी सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है। कृषि ऋण के बोझ से दबे राज्य के छोटे एवं सीमांत किसान को राहत पहुंचाने के लिए झारखंड राज्य कृषि ऋण माफ़ी योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत कुल 750 करोड़ रुपए की राशि 182,561 कृषकों को ऋण खाते में ट्रांसफर की गई है। झारखंड राज्य के किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें कृषि उत्पादन में आर्थिक नुकसान की भरपाई हेतु वित्त वर्ष 2021-22 में झारखंड राज्य फसल राहत योजना प्रारंभ की जा रही है। इसके अंतर्गत प्रतिकूल मौसम के कारण फसलों के उत्पादन में नुकसान होने की स्थिति में क्षति का आकलन कर किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकेगी। बिरसा किसान के रूप में राज्य के किसानों को एक नई पहचान मिली है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर किसानों के लिए 734 करोड़ रुपए की योजना की शुरुआत की गई है। राज्य भर में 2 लाख किसानों को 587 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है। पशुधन योजना के तहत राज्य के 62,000 किसानों को कुल 147 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया गया है। हमारी सरकार की सोच है खेती ही किसानों का बैंक है, पशुपालन ही उनका ATM है। पशुपालन के द्वारा राज्य के किसानों को स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण किसानों को खेतिहर मजदूर भाइयों को अनुदान पर पशुधन उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही पशुपालन के लिए शेड निर्माण हेतु भी अनुदान दिया जा रहा है। झारखंड के GDP में कृषि की योगदान को 12% से बढ़ाकर 20% करने का लक्ष्य के साथ कार्य योजना तैयार कर योजनाओं को मूल रूप दिया जा रहा है। इस वर्ष नई योजना के रूप में समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला की शुरुआत की जा रही है। प्रथम चरण में प्रत्येक जिले में एक कृषि फार्म को समेकित रूप से कृषि के विभिन्न आयामों जैसे उन्नत कृषि तकनीक, उद्यानिक फसलों की खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन, सिंचाई एवं उन्नत व्यवस्था विकसित करते हुए कृषक पाठशाला के रूप में विकसित किया जाएगा। कृषक पाठशालाओं में स्थानीय किसानों की क्षमता का विकास करते हुए उन्हें कृषि क्षेत्र, पशुपालन क्षेत्र, मत्स्य पालन, सुकर पालन इत्यादि में दक्ष एवं रोजगारमुखी बनाकर उनकी आय में बढ़ोतरी की जाएगी। कृषि उत्पादों के बेहतर भंडारण एवं विपणन के उद्देश्य से झारखंड में विभिन्न जिलों में 5,000 मैट्रिक टन की क्षमता वाले मॉडल शीतगृह का निर्माण कराया जा रहा है। राज्य में सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु निरंतर प्रयास किया जा रहा है। राज्य की पुरानी वृहत एवं मध्य सिंचाई योजना के रिनोवेशन का कार्य किया जा रहा है। इसके अंतर्गत कुल 102 पुरानी वृहत एवं मध्य सिंचाई योजना को चिन्हित कर 33 सिंचाई योजनाओं का रिनोवेशन का कार्य पूर्ण कर 44,296 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा बहाल की गई है तथा विभिन्न जिलों के 40 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। सिंचाई योजनाओं में विस्थापन, डूब क्षेत्र, भूमि अधिग्रहण को न्यूनतम करने के उद्देश्य से मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना की परिकल्पना की गई है। इस योजना के अंतर्गत गढ़वा पलामू जिले में सोन कन्हर पाइपलाइन योजना
क्रियान्वित किया जा रहा है। हरी भरी धरती हमारी झारखंड की पहचान है। तीव्र शहरीकरण से झारखंड की हरियाली को प्रभावित किया है। शहरी क्षेत्र को हरा भरा करने हेतु शहरी वानिकी योजना के नाम से एक नई योजना शुरुआत की जा रही है। इस योजना के तहत पूरे राज्य के शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध वन भूमि एवं सड़क के किनारे वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में अब तक निर्मित पार्कों का विकास किया जाएगा ताकि आम लोगों को प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ मनोरंजन का साधन भी उपलब्ध हो सके। शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री श्रमिक योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 15,442 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है तथा कुल 1,13,000 मानव दिवस सृजन किया गया है। लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास कर राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का कार्य भी किया जा रहा है। झारखंड रेशम उत्पादन में देश का प्रमुख एवं अग्रणी राज्य है। तसर उत्पादन में गुणात्मक एवं संख्यात्मक वृद्धि के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा रेशम उत्पादकों को उन्नत कीट पालन तकनीक का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। झारखंड खासकर संथाल परगना के में पारंपरिक रूप से उपलब्ध बांस शिल्प हुनर को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड द्वारा पूरे राज्य में 10,336 लाभुकों का चयन कर उन्हें बाजार आधारित बांस शिल्प में 30 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्य के विकास में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत ग्रामीणों एवं शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ा वर्ग के युवाओं को रोजगार शुरू करने हेतु सुगम एवं सस्ते दर पर ऋण एवं ऋण पर अनुदान का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत लाभुकों को अधिकतम 25 लाख रुपये का ऋण दिए जाने का प्रावधान है, जिसमें ऋण अनुदान 40% की दर से या अधिकतम 5 लाख रुपए दोनों में से जो कम राशि हो लाभुकों को दिया जाएगा। मैं इस मंच से राज्य के युवा शक्ति से अपील करना चाहूँगा, आप उपरोक्त योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठावें। गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने तथा राज्य में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु राज्य सरकार द्वारा 80 उत्कृष्ट विद्यालय तथा 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल के साथ साथ 4,091 पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय की परिकल्पना की गई है। पहले चरण में लगभग 290 करोड़ रुपए की लागत से जिला स्तरीय 40 विद्यालयों को स्कूल ऑफ एक्सेलेंसी के रूप में विकसित करने हेतु कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इन विद्यालयों में सभी आवश्यक मूलभूत संरचना तथा बेहतर कक्षा, वर्ग कक्षा, प्रयोगशाला कक्ष, संसाधनों से भरपूर पुस्तकालय, स्टैम्प लैब, विद्यार्थियों के लिए खेलकूद की व्यवस्था को शामिल किया गया है। सरकारी स्कूलों में आधुनिक शिक्षा हेतु 974 विद्यालयों में ICT लैब स्थापित की गई है, जिससे इन विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा को बेहतर पढ़ाई हो सकेगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के फलस्वरूप वर्तमान में सकल नामांकन अनुपात बढ़कर 20.9 हो गया है। सकल नामांकन अनुपात दर में वृद्धि के उद्देश्य से झारखंड खुला विश्वविद्यालय एवं झारखंड जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की कार्रवाई की जा रही है। विगत वर्ष हमारी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत वैसे छात्र छात्राओं
जिन्हें किसी भी स्तर से किसी प्रकार की छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल पाता, उन्हें छात्रवृत्ति का लाभ प्रदान किया जा सकेगा। वर्तमान वित्त वर्ष में इस निमित्त 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे लगभग 1.28 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2020-21 में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 16,33,000 छात्र छात्राओं को कुल 194 करोड़ रुपये तथा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 2.93 लाख छात्र छात्राओं को कुल 234 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु पलामू, दुमका, हजारीबाग में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है तथा इन नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज में 500 बेड अस्पताल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। कोडरमा एवं चाईबासा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण एवं सदर अस्पताल का उन्नयन कार्य प्रगति पर है। सदर अस्पताल रांची में 200 बेड मातृ एवं शिशु सेवा केंद्र तथा अन्य 300 बेड वाले ब्लॉक का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं अस्पताल का परिचालन प्रारंभ हो चुका है। राज्य में आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक एवं पर्यटन विकास हेतु उन्नत यातायात व्यवस्था का होना जरूरी है। राज्य में आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए लगभग 2000 किलोमीटर पथों का उन्नयन की कार्रवाई की जा रही है। इसके अंतर्गत जिला पथों एवं विभिन्न जिलों के महत्वपूर्ण पथों को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय उच्च पथों पर स्थित शहरों यथा चतरा, गढ़वा, पलामू, देवघर, गिरिडीह, खूंटी, चाईबासा, लोहरदगा, गोड्डा, दुमका, चकरधरपुर एवं मनोहरपुर में बाईपास का निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई है। गुमला बाईपास का निर्माण प्रगति पर है। राजधानी रांची का यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से सुदृढ़ करने के उद्देश्य से शहरी क्षेत्र के पथों की चौड़ीकरण तथा रिंग रोड से जोड़ने वाले शहर के रेडियल रोड एवं अन्य महत्वपूर्ण पथों के चौड़ीकरण की योजना पर कार्य किया जा रहा है। झारखंड को पड़ोसी राज्य यथा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण राष्ट्र उच्च पथों के फोर लेनिंग का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्रों के बेहतर सड़क संपर्क हेतु इस वित्त वर्ष में राज्य संपोषित योजना के अंतर्गत 420 ग्रामीण पथों को के कुल 2031 किलोमीटर की सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें 220 किलोमीटर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 592 पथों की कुल 1,632 किलोमीटर पथों का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें 256 किलोमीटर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। झारखंड को बिजली अधिशेष राज्य बनाने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। पतरातू में 2400 मेगावाट तथा एनटीपीसी उत्तरी कर्णपुरा में 1980 मेगावाट के विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित किए गए हैं। ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं पर वित्त बोझ को कम करने के लिए बकाया राशि की ब्याज को माफ करने हेतु एक मुश्त समझौता योजना लागू की गई है। रांची, जमशेदपुर, धनबाद में स्मार्ट मीटरिंग का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। स्वच्छ एवं नवीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए रांची के गेतलसू डैम में 1000 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। राज्य में 453 गांव में बिजली पहुंचाने के लिए 5 मेगावाट क्षमता वाला स्टैंड अलोन सोलर ग्रिड स्थापित किया गया है। हर घर को स्वच्छ जल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। जल जीवन मिशन के तहत राज्य के
59 लाख ग्रामीण परिवारों को कार्यरत नल के द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है, जिसके विरुद्ध अब तक 8 लाख ग्रामीण परिवारों को कार्यरत नल के द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया गया है। इस वर्ष लगभग 16 लाख ग्रामीण परिवारों को पाइपलाइन द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा पेंशन योजना से राज्य के अधिक से अधिक वृद्धजनों को लाभान्वित करने हेतु इस योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 3,50,000 से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है तथा वर्तमान में इस योजना से लगभग 5,50,000 वृद्धजन लाभान्वित हो रहे हैं। बेसहारा बुजुर्गों के आश्रय हेतु वृद्धाश्रम राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 14567 संचालित किया जा रहा है। राज्य में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित एवं पात्र लाभुकों को अनुदानित दर पर यथा 1 रुपये प्रति किलो के दर से 5 किलोग्राम चावल प्रतिमाह प्रति लाभुक उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत 11,95,00,000 लाभुक आच्छादित हैं। राज्य को कुपोषित मुक्त करने हेतु राज्य सरकार का प्रयास है। हमारी सरकार राज्य में 38,432 आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से कोरोना काल में भी घर घर जाकर बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा धात्री माताओं को गुणात्मक पौष्टिक आहार उपलब्ध करा रही हैं। कोरोना महामारी को संभावित तीसरी लहर में बच्चों के भी प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में बच्चों को बेहतर पोषण उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार सतत प्रयासशील है। राज्य सरकार सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूरक पोषाहार पकाने हेतु LPG की सुविधा उपलब्ध करा दी है। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हो, प्रशासन जनता के प्रति जवाबदेह और संवेदनशील हो, इसके लिए हमारी सरकार प्रयासरत है। आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावशाली नियंत्रण हेतु झारखंड पुलिस द्वारा स्टेट इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम के अंतर्गत यूनिफाइड डायल नंबर 112 पर जनता को 24x7 आपातकालीन सेवाएं दी जा रही है। महिला सुरक्षा हेतु शक्ति ऐप संचालित है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर के बारे में बार बार आगाह किया जा रहा है। कोरोना महामारी की वर्तमान परिस्थिति का मूल्यांकन कर राज्य सरकार द्वारा पाबंदियों में छूट दी जा रही है, ताकि राज्य में जीवन के साथ जीविका भी सुरक्षित रहे। परंतु हमें यह भी याद रखना है कि कोरोना महामारी का खतरा अभी टला नहीं है। मैं झारखंड वासियों से यह अपील करता हूं कि कोरोना महामारी के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, मास्क जरूर पहनें और 2 गज की दूरी मानदंड का पालन करें। राज्य में टीकाकरण का कार्य भी तीव्र गति से जारी है। राज्यवासियों को टीकाकरण में कोई परेशानी ना हो, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। सभी राज्यवासी यथाशीघ्र अपने परिजनों का टीकाकरण करा लें, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रहने में मदद करें। अंत में मैं एक बार फिर आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं। राज्य में भाईचारे एवं सामाजिक समरसता की भावना को मजबूत करने में सहयोग करें। हम सभी मिलकर अपना रचनात्मक एवं सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग झारखंड के नवनिर्माण सर्वांगीण विकास के लिए करें। हमें उम्मीद है कि आप सभी के सहयोग से हम झारखंड को एक विकसित एवं सुदृढ़ राज्य बनाने में जरूर सफल होंगे। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का आपके प्रेरणादायी आशीर्वचनों हेतु।